हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में डाइट को लेकर के प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में वैसे भी बहुत सारे सवाल रहते हैं और अभी कोविड-19 कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते ये सवाल थोड़े से बढ़ गए हैं। क्या आपको प्रेगनेंसी अगर चल रही है तो कोविड-19 में डाइट में कुछ स्पेशल केयर करना चाहिए? क्या डाइट चेंजेस से आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं? क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है? क्या अगर कभी मन करे बाहर का खाना खाने का तो आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते? और अगर अपनी डाइट को लेकर के आपको कोई रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से आप जाने कि आपको डाइट में क्या खाना चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम यही सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सवाल से कि क्या प्रेगनेंसी में आपको डाइट का ध्यान रखना है, स्पेशली इस कोविड-19 या कोरोना इन्फेक्शन के चलते। तो इसका जवाब है डेफिनेटली यस। प्रेगनेंसी में वैसे भी बॉडी की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशंस को लेकर के बढ़ जाती है और जब कभी भी हम किसी ऐसे माहौल में होते हैं जहां कोई भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये रिस्क बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है इन्फेक्शन को लेकर के, क्योंकि नेचुरल जो चेंजेस बॉडी में आते हैं उससे इम्यूनिटी लो हो जाती है। और ऐसे में अगर आपने अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा, अपने इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ाया, तो चांसेस कि आपको ये इन्फेक्शन कैच करेगा, इसके सिम्टम्स आएंगे, ये बढ़ जाता है। तो इसलिए वो सब फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको कोविड-19 के टाइम पे अपनी डाइट में स्पेशल ध्यान देना जरूरी है। तो अब अगर स्पेशल ध्यान देना है तो आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की प्रेगनेंसी के दौरान वो भी पूरी हो और साथ ही साथ जो हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़े। खाना खाने से आपको कभी लगता है कि कुछ तरीके के खाना खाने से आपको अच्छा लगता है, कुछ खाने से हमारा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो लो हो जाता है, तो खाना जो है हमें स्ट्रेस से फाइट करने में भी हेल्प करता है। तो बहुत जरूरी है लॉकडाउन के टाइम पे आप ऐसी चीजें खाइए जो आपको हेल्दी तो रख ही रही है साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री भी रखें। तो इसके लिए गोल्डन रूल क्या है कि आपको पैक्ड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने का है। और अगर बात रही फ्रोजन फूड की तो कोशिश करिए वो भी आप जितना कम से कम खाएं, अवॉइड करें फ्रोजन फूड को तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपको फ्रोजन फूड खाना पड़ रहा है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करिए। वो वाले फ्रोजन फूड्स जिसमें शुगर की मात्रा या नमक की मात्रा कम है, बाकी के प्रिजर्वेटिव्स कम से कम इस्तेमाल किए गए हैं, वो यूज करिए। अदरवाइज सलाह ये रहेगी कि जो चीज फ्रेश है, आपके जगह पे मिलती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी आपके मौसम के हैं उन सब का इस्तेमाल करें। बेसिकली क्या है कि जो भी सबसे सस्ता फ्रूट और वेजिटेबल होगा आप उसको खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उस मौसम का है, आपके यहाँ पे मिल रहा है, बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा होती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। आपके थाली का कम से कम एक तिहाई से लेकर के जो आधा पोर्शन है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से होना चाहिए। हो सके तो आपको डेली एक मुट्ठी भर सूखे मेवे जरूर खाने, और अगर आप मेवों का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए आप इसको भिगो करके खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना, हाइड्रेटेड रखने का मतलब आपको पानी की मात्रा अच्छे से पीनी है, गर्मी के दिन भी है, और हाइड्रेटेड रखने से आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपको इन्फेक्शन से लड़ने की भी ताकत मिलती है। तो आपको प्लेन वाटर कम से कम 8 से 12 ग्लास तो लेना ही है। अगर प्रेगनेंसी में जैसे टेस्ट बड्स हमारे चेंज हो जाते हैं, कई बार सादा पानी नहीं पिया जाता है, तो आप उसमें नींबू डाल सकते हैं या डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। उसके लिए जो सबसे सिंपल है, आजकल के मौसम में आपको नींबू भी मिलेगा, आपको पुदीना भी मिलेगा, तो आप पानी में नींबू और पुदीना सोक करके रखिए और फिर उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको रिफ्रेश भी करेगा, हाइड्रेट भी रखेगा और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा नारियल पानी का इस्तेमाल आप जरूर करिए, कच्चा नारियल खाइए और गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क आपने सुना होगा, अपनी दादी नानी भी सलाह देती थी हल्दी वाला दूध पीने के लिए। कुछ नहीं है गोल्डन मिल्क, ये हल्दी वाला दूध है। 2 दिन में एक बार या डेली भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। अनाज अगर आप खा रहे हैं तो कोशिश करिए कि छिलके वाला हो, साबुत छिलके वाली दालें आप ज्यादा खाइए, सूप पीजिए, और जूसेस की बजाय अगर आप होल फ्रूट, पूरे के पूरे फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रफेज भी रहता है, और जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर में जाते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये सब हुआ कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी मन कर जाता है बाहर का खाना खाने का, तो क्या आप होम डिलीवरी ले सकते हैं? ये भी अक्सर दिमाग में आता है।
ठीक है, वंस इन अ वाइल अगर आपका चीटिंग करने का मन करता है तो आप बाहर से खाना मंगा करके खा सकते हैं, बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिस किसी भी रेस्टोरेंट या होटल से खाना मंगा रहे हो वो स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट होटल हो, जहां पे खाने बनाने और पैक करने के टाइम साथ के साथ डिलीवरी के टाइम पे भी वो सब बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे इन्फेक्शन ना हो। खाना फ्रेश होना चाहिए, कम मसाले का होना चाहिए, प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए और नो टच टेक्निक, यानी कि कम से कम छुए बिना वो खाना आपको अगर डिलीवर हो रहा है तभी आप बाहर से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी कि इस टाइम पे अगर आप बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। क्या फूड आइटम्स चेंज करने से या फूड का पैटर्न चेंज करने से आपको स्ट्रेस, लॉकडाउन में स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मेंटल पीस जा रहा है, लोग एंग्जाइटी में ज्यादा जा रहे हैं और प्रेगनेंसी में घबराहट और बढ़ जाती है कि मैं अगर प्रेग्नेंट हूं कोविड-19 के टाइम पे तो बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, डिलीवरी कैसे होगा या डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर कैसे होगी, ये सब के चलते स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं। फूड आइटम्स को अगर आप बदलेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद भी बराबर से लेते हैं, तो आपको ये सब एंग्जाइटी से और स्ट्रेस से लड़ने की भी ताकत मिलती है। तो बैलेंस्ड खाना खाइए, सही तरीके से खाइए, प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, प्रॉपर तरीके से नींद करिए, एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिविटी में रहिए, ये सब के चलते आप कोविड-19 के टाइम में ये प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड अच्छे से निकाल सकते हैं। थैंक यू। Stay at home and take care.